हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। आज है 20 सितंबर 2019। तो आज की बिहार की टॉप 10 न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर 2020 की परीक्षार्थियों को गलती सुधारने का मौका देने के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी किया है। उम्मीदवार मैट्रिक के लिए वेबसाइट www.biharboard.online और इंटरमीडिएट के लिए वेबसाइट bsebintrdu.in से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के लोगों को नून रोटी नसीब नहीं और बिस्कुट खाने की बात कर रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर सुशील कुमार मोदी को घेरा और सबसे बड़ा कुतर्क मास्टर बताया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि बिहार के सबसे बड़े कुतर्क मास्टर सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि सावन भादों की वजह से मंदी है। कभी बाढ़ सुखाड़ तो कभी कानून व्यवस्था, प्राकृतिक आपदा की वजह से मंदी है। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके कुतर्क पर युवाएं घबराए नहीं, अगले 30 वर्ष में नौकरी मिल जाएगी। तेजस्वी यादव ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि अफवाह महाशय कह रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य है। नीतीश सरकार स्वयं विफलता स्वीकार करके अपनी प्रचंड नाकामी की अपनी ही जुबानी गवाही दे रहे हैं। बिहार में लोगों को नून रोटी नसीब नहीं है और ये महाशय टीवी पर बिस्कुट खाने की परिकथाएं सुना रहे हैं। बिहार में नौकरी के नाम पर युवकों से लाखों की ठगी। नौकरी के नाम पर युवकों को बरगलाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाला मिडिल स्कूल के आरोपी अपहृत शिक्षक को बिहार शरीफ पुलिस ने इस संबंध में अपहरण के आरोपी 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शिक्षक सुबोध कुमार के गिरोह ने 12 से अधिक युवाओं से बेल्ट्रान और शिक्षक सहित अन्य क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। बिहार में इन दिनों आरजेडी के पूर्व एमएलए हथियार प्रेम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला छपरा से आरजेडी के पूर्व एमएलए रणधीर सिंह से जुड़ा है। उनकी हथियार प्रेम वाली तस्वीर सोशल मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तस्वीर में रणधीर सिंह विश्वकर्मा पूजा पर हथियार की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में 1.5 दर्जन से अधिक हथियार के साथ कई लग्जरी गाड़ियां भी दिखाई दे रही है। सेक्स रैकेट के मामले में आरजेडी विधायक की संपत्ति अब कुर्की होने की तैयारी। सेक्स रैकेट केस में फंसे आरजेडी के विधायक अरुण यादव पर पुलिस की दबिश बरती जा रही है। पुलिस की टीम ने बुधवार की शाम पटना और भोजपुर के लसारी गांव में उनके आवास पर छापेमारी की, लेकिन विधायक फरार मिले। इस बीच खबर है कि विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने की सूरत में पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की की अनुमति के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। आरोप है कि राजद विधायक रात में नाबालिग लड़कियों को अपने पास बुलाते थे। जदयू और भाजपा से कोई भी समझौता नहीं, ये किसने कहा? तेजस्वी यादव ने कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में भाजपा और जदयू के साथ नहीं जा सकते। पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि मेरे शरीर में लालू प्रसाद यादव का रक्त है। मनुवादी या सांप्रदायिक शक्ति से कोई भी समझौता नहीं कर सकता। जनादेश न मानने वालों के साथ भी नहीं जा सकते। बिहार में बाढ़ ने फिर किया बुरा हाल। तेज बारिश के कारण गंगा, सोन और पुनपुन नदियों का जलस्तर बढ़ने से 3 नदियां पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संपर्क टूट गया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को अपहरण 2 बजे तक दीघा घाट में गंगा का जलस्तर 50.27 मीटर था, जो बुधवार की सुबह 6 बजे तक 50.57 मीटर हो गया था, जबकि यहां खतरे का निशान 50.45 मीटर है। इसी तरह अन्य 2 नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पार कर चुका है। बिहार के जमुई में मदरसा टीचर को गोलियों से भुना। बिहार के जमुई में बेखौफ अपराधियों ने मदरसा टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी है। अपराधियों ने मदरसा शिक्षक के चेहरे पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 गोलियां उतार दी। मदरसा शिक्षक की पहचान झाझा थाना क्षेत्र के बराजोर गांव निवासी मोहम्मद अब्दुल कलाम, जो 42 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने बीती शाम फोन करके उसे अपने ठिकाने पर बुलाया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। मदरसा शिक्षक का शव स्थानीय रेलवे वॉशिंग पिट के करीब की झाड़ियां में बरामद हुआ है। पटना समेत 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना समेत 4 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें पटना, अरवल, सिवान और गोपालगंज में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अररिया में बकरा नदी में बाढ़ का पानी में डूबने से एक किशोर की मौत। अररिया जिले के प्लासी थाना क्षेत्र के पिपरा बिजवार पंचायत के अंतर्गत छपनीय मरिया धार में जमा बकरा नदी में आई बाढ़ के पानी में डूबने से 16 वर्षीय किशोर सतीश कुमार की मौत हो गई है। घटना उस वक्त की है जब बुधवार की शाम बहियार से घास लेकर वापस घर लौट रहे थे। काफी खोजबीन के बाद शाम किशोर का शव बरामद हुआ है। बिहार में 2020 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जहां प्रमुख पार्टियां ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं राजनीति के कई दिग्गज अन्य विकल्प की तैयारी में हैं। इसी के तहत कभी लालू यादव कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिमराज सिंह ने अपनी नई पार्टी बना ली है और इस पार्टी का नाम बिहार लेबर पार्टी रखी गई है। वे खुद इस पार्टी के संयोजक है, जबकि आफताब आलम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2020 विधानसभा चुनाव में 51 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर चौकस पुलिस तथा उत्पाद विभाग ने सारण और गोपालगंज जिला में ट्रक और कंटेनर पर लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है और साथ में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हाजीपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने कल देर रात एक ट्रक से 560 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है।
तो दोस्तों आज का बिहार का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का बिहार का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हमारे बिहार न्यूज में तो नीचे रेड कलर का बटन होगा पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।